गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। देखिए, आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का पार्ट थ्री कंटिन्यू करेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट वन और पार्ट टू जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, कभी कभी क्या होता है ना भाई, एक ये टाइप थ्री है भाई, टाइप थ्री कभी कभी क्या होता है, आपको इस टाइप में दे देगा। कभी भी मान लो इफ़ क्या है, मान लो इस टाइप में साइन ए और सेक बी दे दिया बराबर वन, कॉस ए इंटू कोसेक बी बराबर वन, टेन ए इंटू टेन बी बराबर वन, कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर वन। इस टाइप में ये चार फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है बात को समझना। कभी भी इस टाइप में चार फंक्शन आपको दे दे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू सेक बी, कॉस ए इंटू कोसेक बी बराबर वन, टेन ए इंटू टेन बी बराबर वन, कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर वन। कभी भी अगर ऐसा दे तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये कब पॉसिबल होगा, जब ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी भाई, ए प्लस बी की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी, 90 डिग्री। कभी भी अगर ये रिजल्ट क्वेश्चन में देगा तो ध्यान देना, a प्लस बी की वैल्यू 90 होगी। ये कैसे आया देख लो, इसकी प्रूविंग देख लो। जैसे पहला रिलेशन है हमारे पास, फर्स्ट वाला ही प्रूफ करते हैं, साइन a इंटू सेक बी बराबर वन, साइन a इंटू सेक बी बराबर वन। तो देखो भाई, मैं इस सेक b को उस साइड ले जाऊंगा तो ये होगा साइन a बराबर वन अपॉन sec b, और वन अपॉन sec b क्या होता है भाई, cos b, क्या होगा cos b। और देखो भाई, क्या बात को समझना, यहाँ साइन है तो मैं यहाँ भी कोशिश करूंगा कि साइन आ जाए। साइन कैसे आएगा, साइन a बराबर मैं इस टाइप में लिख सकता हूँ, किस टाइप में लिखूंगा, साइन 90 माइनस a, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना भाई, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन से साइन कैंसिल कर दो, यहां से रिलेशन आएगा ए बराबर 90 माइनस बी, बी को इस साइड ले आएंगे तो ए प्लस बी की वैल्यू होगी 90 डिग्री। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनता ही बनता है, चाहे 2018 सीजीएल का पेपर देख लो या 17 का देख लो, यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनता ही बनता है। ठीक है भाई, चलिए हम अब आते हैं सवालों की ओर। ये आपको याद रखना है, ये पार्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं सवालों की ओर। ठीक है भाई, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया भाई, बात को समझना, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 25 इंटू सेक 65। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है साइन 25 इंटू क्या, सेक 65। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, बात को समझना। अभी हमने ये पढ़ा कि क्या पढ़ा भाई, a प्लस बी अगर 90 होगा, ये 90 कब होगा मेरे भाई, ये 90 कब होगा, जब साइन a इंटू सेक b बराबर 1 होगा, तभी होगा। साइन a इंटू सेक b बराबर 1 होगा तो a प्लस बी बराबर 90। सेम वे आप देखो, एंगल क्या है 25 और यहां पे क्या है 65, 25 और 65 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 90। एंगल का सम 90 है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 1। मतलब साइन 25 इंटू सेक 65 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ऐसा हमने फार्मूले में देखा था, तो ये आंसर होगा। ठीक है भाई, ये आंसर आपका होगा। नेक्स्ट आते हैं अपने अगले सवाल पे, इसको मिटा दे रहा हूं। नेक्स्ट अगला सवाल, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देख लो अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, क्या है भाई देख लो, tan 10 डिग्री
25 डिग्री, टैन 65 डिग्री और टैन 80 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी, बात को समझना, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देख लो भाई, यहाँ पे भी इनका और इनका सम, टैन 10 डिग्री, टैन 80 डिग्री, और इन दोनों को टैन 25 डिग्री, टैन 65 डिग्री। यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या 1 लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 और 80 का सम 90 होगा, और टैन ए इंटू टैन बी बराबर 1 कब होगा? जब ए प्लस बी की वैल्यू 90 होगी। तो इसकी वैल्यू मैंने 1 लिख दिया, इसको भी मैं 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 65 और 25 कितना होता है? 1, 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1। इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा 1। ठीक है, इस टाइप में हम करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, थर्ड नंबर, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, जल्दी से इसको सॉल्व करिए भाई, जल्दी से। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, जल्दी से इसको सॉल्व करो और इसका आंसर करिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, अगर पढ़ें तो कह रहा है कि इफ साइन 3x माइनस 6, 6 ही है ना भाई, 3x माइनस 6 बराबर cos 6x माइनस 3, ये हमें दिया है, देन फाइंड करने के लिए कह रहा है, फाइंड x की वैल्यू पूछा है, ये हमें दिया है क्वेश्चन, x की वैल्यू पूछा है भाई। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देख लो भाई, साइन है से कॉस है, तो इसको इस टाइप में हम लिख सकते हैं, आप चाहो तो कॉस को इस साइड ले आओगे तो हो जाएगा सेक के फॉर्म में, होगा कि नहीं भाई बोलो, बराबर वन, क्योंकि दोनों साइड हमने कॉस से डिवाइड कर दिया, बराबर वन हो गया। अब हमें पता है, हमें क्या पता है, आप बात ध्यान देना, ये फार्मूला मैंने बताया कि साइन ए इंटू सेक बी बराबर वन तभी होगा जब ए प्लस बी की वैल्यू 90 होगी, बोलो हाँ या ना। तो इनका सम 90 होगा, तो देख लो 3x माइनस 6 प्लस 6x माइनस 3 बराबर 90, ये कितना आएगा, जोड़ोगे 9x इक्वल 99, x की वैल्यू आ गई कितनी आई मेरे भाई, 11 डिग्री, x की वैल्यू आंसर आ गया 11 डिग्री, इज द राइट आंसर, x की वैल्यू आ गया 11 डिग्री। ठीक है भाई, इस टाइप में करेंगे, इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व होगा, जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये एक टाइप है, इससे रिलेटेड मैं 6 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये एक टाइप है, और सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम में ऐसा सवाल आया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम में एक सवाल ऐसे आता ही आता है 100%। नेक्स्ट आगे, अगला क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, देखो क्या है, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया, जल्दी से इसको पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है, इफ टेन 2θ इंटू टेन 3θ बराबर 1, देन फाइंड कोसेक 5θ, कोसेक 5θ की वैल्यू पूछा है भाई, कोसेक 5θ की वैल्यू पूछा है, तो करेंगे कैसे, देख लो, हम सबको पता है, क्या पता है भाई, tan a इंटू टेन बी बराबर 1 होगा, तो a प्लस बी की वैल्यू 90 होगी। सेम वे इन दोनों का सम 2θ प्लस 3θ बराबर 90, तो देख लो भाई 5θ की वैल्यू आ गया 90, 5θ की वैल्यू 90 आ गया, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, cosec 5θ, तो 5θ जहां पे है वहां पे 90 रख दो, तो आ गया cosec 90। भाई cosec 90 की वैल्यू तो हमें याद होनी चाहिए, sin 90 होता है 1, तो cosec 90 भी क्या होगा, 1 होगा, आंसर आ गया 1, 1 इज द राइट आंसर, 1 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, अगला क्वेश्चन देखो फिर से स्क्रीन पर आ गया, अगला क्वेश्चन,
क्या कह रहा है देख लो भाई। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो फिफ्थ नंबर, इफ इफ साइन एक्स प्लस फोर डिग्री इंटू सिक एक्स माइनस फोर बराबर वन, देन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है भाई, टेन टू एक्स अपॉन थ्री, ये हमें फाइंड करना है क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है भाई, ये हमें फाइंड करना है। तो देख लो क्या होगा, हमें पता है ना कि साइन ए इंटू सेक के बराबर वन, तो ए प्लस बी की वैल्यू 90 होगी, ये हमें पता है। इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम 90 लिख सकते हैं, तो लिख लो भाई एक्स प्लस फोर प्लस एक्स माइनस फोर बराबर 90, फोर से फोर कैंसिल हो गया, टू एक्स बराबर क्या आया, 2x की वैल्यू आ गया, कितना आया मेरे भाई 90, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है tan 2x upon 3, 2x की वैल्यू डायरेक्ट रख दो तो ये होगा tan 90 upon 3, तो मेरे भाई tan 90 की वैल्यू हमें पता है क्या होता है भाई 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1 upon root 3, इसका आंसर होगा 1 upon root 3 is the right answer, 1/√3 इसका राइट आंसर होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ, उम्मीद करते हैं कि आपने नोट कर लिया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या होगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है इफ सेम उसी टाइप में कॉट एक्स माइनस 50 कॉट एक्स माइनस 50 बराबर टेन 80 माइनस 2x देन फाइंड करने के लिए कह रहा है भाई, क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, tan x प्लस साइन एक्स, ये पूछा है tan x प्लस साइन एक्स, तो देख लो कैसे होगा, अगर इस tan को इस साइड ले आएंगे तो ये होगा cot x माइनस 50 और ये भी cot में बदल जाएगा, cot 80 माइनस 2x बराबर 1, इन दोनों एंगल का सम हमें पता है 90 डिग्री, x माइनस 50 प्लस 80 माइनस 2x बराबर 90 डिग्री, तो मेरे भाई आप बताओ 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 क्या बताओगे, ये होगा माइनस एक्स प्लस 30 बराबर 90, गलत आ गया क्या, 80 माइनस 2x इस साइड आया, x माइनस 50 प्लस 30 इस साइड आया 60, x की वैल्यू माइनस 60, चलो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 60 डिग्री बना एंगल, माइनस में आ गया ना, तो यहां पे रख दो माइनस 60 प्लस साइन माइनस 60, हमें पता है भाई क्या पता है माइनस रूट थ्री अपॉन टू, आंसर आएगा -3√3/2, माइनस में आ गया, मैंने गलत शायद नंबर ले लिया था, ठीक है ना भाई, तो लाइक सही है, इस टाइप में हम क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, x माइनस 50 प्लस 80 माइनस 2x बराबर 90, 30 आया ये माइनस, हाँ सही है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, चलो इसको मिटा दे रहा हूँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है सेवेंथ नंबर, आज की क्लास का आखिरी सवाल, ठीक है ना, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है सेवेंथ नंबर, इफ
एफ क्या है भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 9। देन फाइंड टेन थीटा। टेन थीटा निकालना है, क्या होगा टेन थीटा, हमें क्या करना है, हमें टेन थीटा फाइंड करना है क्या होगा। तो देख लो भाई, एलजेब्रा में आपको एक पार्ट पढ़ाया था, एलजेब्रा में बताया था, वीडियोस भी पढ़ी है, देख लेना, यूज ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, सी एंड डी रूल। जब भी कभी, बात को समझना, ए प्लस बी, जब भी कभी ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर 7 दे दे मान लो, और आपसे पूछे ए अपॉन बी बताओ, इस केस में हमेशा सी एंड डी रूल लगाना, सी एंड डी रूल लगाना, ठीक है भाई, सी एंड डी रूल लगाना, योगांतरानुपात का नियम लगाना। तो सेम वे यहां पे भी हम करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम सी एंड डी रूल, सी एंड डी रूल लगाओगे तो भाई जोड़ोगे एक बार घटाओगे, तो डायरेक्ट अगर मैं लिखूं तो आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डायरेक्ट अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहां पे अगर सी एंड डी रूल लगाओगे ना तो एक बार जोड़ना पड़ेगा ए माइनस बी को, फिर इसी को आपको घटाना पड़ेगा भाई, घटाना पड़ेगा, ये कट गया ये कट गया, ये आएगा 2a अपॉन 2b बराबर, यहां पे क्या होगा 7/1 है, तो 7 में 1 पहले जोड़ो, 7 में 1 घटा दो, मतलब यहां पे आएगा 8/6, ये 2 से 2 कट गया, मतलब डायरेक्ट अगर यहां से यहां आए तो a अपॉन b लिखना पड़ता है, मतलब ये अपॉन ये, साइन चेंज होना चाहिए, सेम ये दोनों होंगे, साइन चेंज होगा, प्लस यहां यहां माइनस, या यहां माइनस यहां प्लस, सेम वे यहां पे भी देखो, ए की वैल्यू साइन थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, बराबर होगा ये क्या होगा, ये अपॉन में 1 है, तो 9 में पहले 1 जोड़ दो, 9 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 10, फिर 9 में 1 घटा दो कितना आएगा 8, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा टेन थीटा, 2 से कैंसिल हो गया, 5/4 इज द राइट आंसर, 5/4 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई, 5/4 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, और एक देखो आज की क्लास का होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करना, और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में करना भाई, ठीक है ना, आंसर इसका कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी, लेवल थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, इसके कई पार्ट आएंगे, लगभग 15 पार्ट मैं कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का, और सीजीएल 2018 और 17 के मेंस के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, पूरी वीडियोस अगर आप पूरी प्लेलिस्ट की वीडियो देखेंगे तो 100% है आपका ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक क्लियर होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू क्लास, बाय बाय।